मदीना शरीफ में ना एक खातून थी जिसका जहनी तवाजुन बिगड़ा हुआ था, जिसको हम पागल कहते हैं। तो वो मदीने में एक खातून जहनी तवाजुन बिगड़ा हुआ एक दिन आ गई मस्जिद नबी शरीफ में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया उसने, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस पागल खातून ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मुझे आपसे चंद बातें करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करो भाई, क्या बातें करनी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो पागल खातून कहती है कि बातें यहां नहीं करनी, मुझे फला जगह जाकर के आपसे बातें करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खातून पकड़ करके मैदान में ले गए, यानी मदीने शरीफ की जमीन है, खुला आसमान है, सूरज की तपिश है, रेतीली जमीन है, और वो खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर मैदान में ले गए और रसूलुल्लाह से बातें करने लगी। अब ज़हनी तवाज़ुन उसका बिगड़ा हुआ, रसूलुल्लाह से बहुत गुफ्तगू उसने की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक करीमाना ये कि उससे पीछा नहीं छुटा रहे हुजूर, यानी उससे बहाना नहीं बना रहे रसूलुल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयदना अनस बिन मालिक देख रहे हैं, सहाबा मस्जिद नबवी से देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह से वो खातून बातें कर रही है और रसूलुल्लाह कान लगा करके उसकी बातें सुन रहे हैं। सुभानअल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पागल औरत की बातें कान लगा करके सुन रहे हैं। रसूलुल्लाह का अखलाक ये था कि जब भी हुजूर से कोई बात करता तो रसूलुल्लाह उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं करते थे, यानी हुजूर का अखलाक यह है कि रसूलुल्लाह अगर मजलिस में बैठे हैं और कोई सहाबी हुजूर से बात कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह ऐसा नहीं करते थे कि इधर देखते हों उधर देखते हों, उसकी बात पे तवज्जो न देते हों। रसूलुल्लाह का अखलाक तो ये था कि हुजूर अगर मजलिस में बैठे होते तो हर सहाबी को ऐसा लगता कि रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा मुझ पर तवज्जो फरमा रहे हैं। तो सहाबाए किराम के झुरमुट में हुजूर जब भी बैठे होते हैं तो हर सहाबी को लगता है कि रसूलुल्लाह का कलम मुझ पर ज्यादा है। तो रसूलुल्लाह हमेशा लोगों की बात तवज्जो से सुनते, वो पागल खातून भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें कर रही है। वक्त हो गया काफी, ताखीर हो गई, और वो रसूलुल्लाह से बातें करती जा रही है, बातें करती जा रही है, रसूलुल्लाह सुनते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह का अखलाक यह भी था कि जब हुजूर से कोई मुसाफा करता था ना तो जब तक वो बंदा खुद हाथ ना हटा ले रसूलुल्लाह हाथ नहीं खींचते थे। आज के दौर के जो पाखंडी हैं और जो रसूलुल्लाह का जानशीन होने का दावा करते हैं उनका तरीका क्या है, वो चार उंगलियां आपको पकड़ाते हैं, उनको चूमिए और आगे निकलिए, और वो मौका मिल जाए तब भी बड़ी बात है। ये बात मैं इसलिए तेज आवाज में कर रहा हूं क्योंकि मेरे नबी का अखलाक ये है कि जब किसी से मुसाफा करते रसूलुल्लाह तो पूरा हाथ उसको देते और जब तक सामने वाला बंदा हाथ ना खींचे तब तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ नहीं खींचते थे। तो मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह से बड़ा इस कायनात में कोई है? तो जो इस कायनात की सबसे बड़ी जात है उनका अखलाक यह है कि जब तक सामने वाला बंदा हाथ ना खींचे रसूलुल्लाह हाथ नहीं खींचते थे। और जिसने चार किताबें पढ़ ली उसके अंदर घमंड यह आ गया कि वो लोगों से एहतियात के साथ में बात करता है, वो लोगों से एहतियात से मुसाफे करता है, उसको यह महसूस होता है कि हर आदमी जो है कोविड का पेशेंट है, उसका हाथ लगेगा तो यह मरीज हो जाएगा, इस एहतियात से लोग मुसाफा करते हैं और फिर दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह के जानशीन है। बताओ कैसी जानशीनी है ये? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यह बड़ा काम है, ऐसे पाखंडियों से दूर रहिए जो रसूलुल्लाह के अखलाक के जानशीन नहीं हो। याद रखिए कि रसूलुल्लाह के जानशीन वो होते हैं जिनके अंदर हुजूर का अखलाक करीमाना होता है। समझ रहे? किताबें तो दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, काबिल तो दुनिया में बड़े सारे लोग हैं, लेकिन सबको रसूलुल्लाह का जानशीन नहीं कहा जाता। हुजूर का जानशीन वही होता है, हुजूर का नाइब वही होता है जो रसूलुल्लाह के तरीके पर होता है, हुजूर के अखलाक पर होता है। तो वो खातून हुजूर से बात करने लगी, वक्त हो गया काफी, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उससे बातें करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं उसको। जब वह फारिग हो गई अपनी बातों से तब उसने रसूलुल्लाह को फिर छोड़ दिया। अब रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाए मस्जिद नबी में तो सहाबा को तो इधर गुस्सा आ रहा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेइंतहा प्यार करते थे, हुजूर के एक एक आराम का ख्याल रखते थे सहाबा, और सहाबाए किराम की तो जिंदगी ये थी कि हमारी जान चली जाए मगर रसूलुल्लाह के नाखून को भी कोई तकलीफ ना होने पाए। सहाबा तो इस रवैये के साथ में जिंदगी गुजारा करते थे। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो सैयदना अनस बिन मालिक ने कहा, या रसूलुल्लाह आप उस बूढ़ी खातून की बातें इस तरह से तवज्जो से सुन रहे थे, वो तो पागल खातून है, वो तो पागल औरत है,
पूरा मदीना उसको जानता है। आप इतनी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे, आपका इतनी जिम्मेदारियां हैं, कार्य नबूवत है, सारी जिम्मेदारियां आपको संभालनी है, नबूवत की जिम्मेदारियां आपको संभालनी है, सारे काम आपके जिम्मे, हुजूर आपकी मसरूफियत है, फिर भी आप उस खातून की, उस पागल औरत की बातें सुन रहे थे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, रसूलल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कहा भाई अगर मैं भी उस पागल औरत की बात नहीं सुनूंगा तो फिर कौन उसकी बातें सुनने वाला है। समझ रहे हैं आप? हुजूर फरमाते हैं कि अगर मैं भी उसकी बात ना सुनूं तो फिर कौन उसकी बात सुनने वाला है। पागल औरतों का इतना ख्याल रखने वाली जात रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब वो मर्द हजरात तवज्जो दें इस बात पर जो अपनी बीवी की बात को तवज्जो से नहीं सुनते। दूसरे परेशान हाल लोगों की तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे परेशान हाल लोगों की छोड़ दीजिए, वो बच्चे तवज्जो दें इस बात पर जो अपने मां बाप की बात को नजरअंदाज करते हैं, उनकी बात को तवज्जो से नहीं सुनते, उनकी बात को नजरअंदाज करते हैं। यहां तो हमारे नबी का अखलाक ये कि पागल औरत जिससे कोई बात नहीं करता, रसूलुल्लाह उसकी बात सुन रहे हैं, और हमारे अखलाक का हाल क्या है जो नबी का कलमा पढ़ते हैं। जब तक ये किरदार और ये इनकलाब हमारी शख्सियत के अंदर पैदा नहीं हो जाता तो आप दाढ़ी सीने तक कर लीजिए, टोपी कुतुब मीनार की तरह लगा लीजिए और शानदार तस्बीहें घुमाते रहिए, आप कभी भी पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। याद रखिए ये बात कि ये किरदार जब तक हमारे अंदर मुंतकिल नहीं हो जाता तब तक हम मजबूत मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया देखती है हमारे हुलिये से ये मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिल को देखता है। तो हमारे रवैयों में अगर रसूलल्लाह की ये सीरत नहीं है, हमारे रवैयों में अगर हुजूर का ये अखलाक करीमाना नहीं है तो फिर से हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। तो ये रसूलल्लाह का करम है, ये रसूलल्लाह का अखलाक है।